आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव भगतपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। इस गांव की प्रधान श्रीमती भूरी हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी सौंप दी है। जब संवाददाता ने प्रधान पुत्र से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ के उपकेंद्र अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते और स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा है और शिक्षकों की संख्या कम, जिसके कारण छात्रों को काफी परेशानी होती है। आइए जानते हैं प्रधान ने 4 वर्ष में कितना विकास कराया है और सरकार की योजना का लाभ ग्राम प्रधान ने गांव के व्यक्तियों को दिलाया है। सुनते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के भगतपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। चलते हैं प्रधान जी के पास। थैंक यू मैडम। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। यहाँ 4 साल आपके विकास कार्य को पूरे हो चुके हैं, आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास आपने यहाँ करवा दिया है? देखिए मैडम, मेरी ग्राम पंचायत भगतपुर टांडा में 4 साल के अंतराल के अंतर्गत लगभग गांव के 80% रास्ते ठीक हो चुके हैं। बाकी शेष 20% रास्तों पर अभी काम चल रहा है और मैं उम्मीद करूंगा, मैं इतनी कोशिश करूंगा कि बाकी के भी शेष 20% रास्ते इसी पंचवर्ष में पूरे हो जाएं। और मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग करीब 150 से ज्यादा इसी 4 साल के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन बनाई जा चुकी है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मेरे द्वारा बनाई जा चुकी हैं और सोलर लाइटों का मैनेजमेंट भी मेरी ग्राम पंचायत में हो चुका है। लगवाए हैं और लगभग, और मैंने माननीय सांसद जी से इसकी मांग की है, आवास वगैरह यहाँ मिलेंगे। मेरी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास लगभग 45 आवास बने जा चुके हैं, 13 लोही आवास बनाए जा चुके हैं, शौचालय से भी गांव ओडीएफ हो गया, शौचालय से भी लगभग पूर्ण रूप से ओडीएफ हो चुका है मेरा गांव। सरकार की योजनाओं का लाभ यहां मिला है लोगों को, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन। जी हां, उज्ज्वला कनेक्शन भी लोगों को भरपूर मात्रा में मिले हैं। सरकार ने जो किसानों के लिए योजना दी थी, सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में आ रहा था, उसका लाभ कितने % लोग यहां पर ले पाए? मेरी ग्राम पंचायत भगतपुर टांडा में एक अहम समस्या है कि जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत लगभग 30% लोगों को इसका लाभ मिला है, बाकी 70% लोग अभी वंचित रह चुके हैं। 70% लोगों को अभी नहीं मिल पाया। क्या इसकी वजह कोई कागजी कार्यवाही है या कोई अधिकारियों की लापरवाही, मतलब क्या मांगते हैं आप, किस वजह से ऐसा? मैडम, लापरवाही कहेंगे इसको, सरकार द्वारा जब योजना चलाई जा रही है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो लापरवाही का मेन कारण होगा। स्कूल पर आपने क्या कार्य करवाए? स्कूल पे मेरे द्वारा काफी सौंदर्यकरण स्कूल को बना दिया गया है और भी मेरा प्रयास है कि स्कूल को और अति सुंदर बनाऊं। यहाँ छात्रों की संख्या और शिक्षा का स्तर कैसा है? छात्रों की संख्या और शिक्षा के अनुपात में भी अंतर आ रहा है। छात्रों की संख्या के अनुसार हमारे प्राइमरी और जूनियर स्कूल एक ही प्रांगण में बने हुए हैं, जिनमें अध्यापकों की अभी कमी है। मैंने उसकी मांग की, अनुपात में शिक्षक यहाँ कम है। जी, अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? मेरे ग्राम पंचायत की जो मेन समस्या है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का अभाव है। काफी आसपास के वो मेरी ग्राम पंचायत के लोग अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और डॉक्टर ना होने की वजह से निराश होकर चले जाते हैं। कितने गरीब लोग अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? काफी है, अभी लगभग 125 लोग ऐसे हैं जो मकानों से वंचित रह चुके हैं। जी, यहाँ पर और कोई समस्या आप ऐसी महसूस करते हैं जिसके लिए चाहेंगे कि सरकार खासतौर से ध्यान दे ग्राम पंचायत में? मेरी मेन समस्या, मेरे गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टरों की कमी पूर्ण हो जानी चाहिए, जिससे लोग परेशान ना हो। बाकी काफी हद तक गांव विकास में विकासशील हो चुका है और लगभग 100-125 मकानों की और आवश्यकता है। मैं चैनल के माध्यम से, घर पंचायत घर, ये सब चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों के लिए मकानों की मांग करता। जैसा कि आपने देखा, यहाँ प्रधान जी से हमने बातचीत की है, काफी विकास यहाँ प्रधान द्वारा गांव में करवाया जा चुका है, जैसे कि सड़क निर्माण, सीसी कार्य, आवास भी यहाँ बनवाए हैं और यहाँ शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है। यहाँ जो मुख्य समस्या, प्रमुख समस्या हमें देखने को मिली है और इन प्रधान द्वारा बताया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का अभाव होना यहाँ की एक प्रमुख समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बीमारों को दवाई लेने के लिए काफी हद तक परेशानी उठानी पड़ती है। सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की पूर्ति की जाए, शिक्षा के लिए यहाँ छात्रों के अनुपात में शिक्षक का भी अभाव है, यहाँ शिक्षकों की भी पूर्ति होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके साथ ही यहाँ बारात घर की भी ये मांग करते हैं, पंचायत घर जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है, उसके नव निर्माण के लिए भी ये सरकार से उम्मीद करते हैं। मैं नाजरीन टुडे 24